हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्रीनिधि ब्लॉग्स में। सेम सब्जी का कर आकर आप बोर हो गए होंगे, तो एक न्यू रेसिपी, एक नई तरीके से मैं आपको एक कोफ्ते बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। कच्चे केले के कोफ्ते, बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी है, तो आप सभी इसको घर पर ट्राई कीजिए। और जो भी नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। कच्चे केले ले लिए मैंने 3, और इसे मैंने कुकर में पका लिया है। कैशियो को मैंने भिगो दिया है। जब कच्चे केले को कुकर में आप पका लोगे, एक ही विसल लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं, और ये आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं पकने के बाद में, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको इसको ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद में हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिल्ली और हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है इसमें आपको, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी, गरम मसाला। गरम मसाला का रेसिपी मैंने मेरे चैनल में ही दे रखा है, तो आप उसे भी जाके ट्राई कीजिए और सेम गरम मसाला इसमें यूज़ कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आपको आपके कोफ्ते में देगा। और सॉल्ट डालना है आपको, और बेसन डालना है 1 टेबलस्पून जितना। तो फर्स्ट आप इसे अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। और मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है 1/4 टीस्पून जितना। क्यों इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर? इससे काफ़ी अच्छा फूलते हैं और सॉफ्ट भी बनता है कोफ्ते, तो ज़रूर बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। छोटे छोटे से कोफ्ते बनाकर रेडी कर लीजिए। हाथों को थोड़ा सा आपको गीला कर कोफ्ते रेडी कर लेना है। देखिए 3 हमने बनाने लिए थे और इतने सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। टोमेटो और कैशो को ग्राइंड कर लेंगे फाइन, इससे काफ़ी बढ़िया ग्रेवी आपको, ग्रेवी में टेक्सचर मिल जाएगा। एक ऑनियन को एकदम ही फाइनली चॉप कर लिया है। चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी और व्लॉग्स मैंने मेरे चैनल में डाल रखा है, सभी को आप जाकर देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। पहले आपको एक ही कोफ्ता डालकर देख लेना है। अगर आपका कोफ्ता फटने लगे तो आपको 1 टेबलस्पून जितना फिर से बेसन ऐड कर इसको गूंद लीजिएगा और अपने कोफ्ते रेडी कर लीजिएगा। जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं उसमें 1 टेबलस्पून जितना ही मैंने बेसन ऐड कर लिया था, और काफ़ी बढ़िया तरीके से कोफ्ते बने हैं। देखिए आप देख रहे होंगे, थोड़ा भी इसमें थोड़ा भी फटा नहीं है तेल में। तो आपको अगर लगे कि आपका जो कोफ्ते हैं फट रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए, आपके भी कोफ्ते बढ़िया बनेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे खड़े मसाले डाल लिए हैं, दालचीनी, जीरा, लवंग और चॉप किया हुआ ऑनियन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भून लीजिए ऑनियन को, और ग्रीन चिल्ली डालिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, और थोड़ी देर तक इसको कच्चा टेस्ट जाने तक इसको भून लीजिएगा अच्छी तरह से। अलग अलग मैंने यहाँ पे चिल्ली का यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आपको देगा आपकी कोफ्ता करी में। तो देखिए यहाँ पे काजू और टमाटर का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। काजू और टमाटर को अच्छी तरह से आपको भून लेना है, इसका जो रॉ स्मेल है टमाटो का वो जाने तक आपको भून लेना है, नहीं तो आपको जो करी है वो कोफ्ता करी है उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से मसाले को भून लीजिएगा। देखिए कलर भी चेंज हो गया है, मैंने 1 मिनट तक ढककर इसको पका लिया है।
अभी हम इसमें भी मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, ब्लैक पेपर डालना है इसमें और गरम मसाला। गरम मसाला का रेसिपी मैंने मेरे चैनल में दे रखा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और बढ़िया सा गरम मसाला है, आप ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। जो हमने कैशो का पेस्ट बनाया था तो मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें आपको ये थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, जिससे कि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो बढ़िया सा क्रीमी सा ग्रेवी तैयार हो गया है, कैशो के वजह से ये हमको टेक्सचर मिला है। थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ग्रेवी अभी से ही। अभी हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लीजिएगा। जब भी आप कोई भी ग्रेवी बनाते हो तो गरम पानी ही आपको ऐड करना है, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चालू रहे। अभी आप हम जब सेकते हैं मसाले को तो कुकिंग प्रोसेस ठंडा पानी डालने से रुक जाता है। कसूरी मेथी मैंने डाला है, ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको खुशबू देगा अपने कोफ्ता करी में। आपको भून कर पाउडर कर कर कसूरी मेथी को डालना है। अभी जब एक बॉईल आ जाए आपके करी में तभी आपको कोफ्ते को ग्रेवी में डालना है। जो केले के कोफ्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट टेक्सचर होता है, तो ज़्यादा आपको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वो आपको खीर बन जाएगा कोफ्ता करी। तो थोड़ा सा ही उसको एक बॉईल आने पर बंद कर लीजिएगा और फ्रेशली कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर लीजिए। काफ़ी बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।